नमस्ते इंडिया। मैं नव्य तिवारी और मैं नन्ना तिवारी आपके साथ एंटरटेनमेंट शो पे। हमें जिंदगी में यूं ही सब कुछ नहीं मिल जाता जब तक चुनौतियाँ हमारे सामने नहीं आती। अरे क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? नीम का पेड़ लापतागंज या फिर भाभी जी घर पर है, इनमें क्या समानता है? यही कि ये सब अलग अलग हैं, मगर किरदार एक है। मैं समझी नहीं। एक साधारण सा व्यक्ति बिना किसी शोर शराबे के एक छाप छोड़ जाए तो उसे अभिनेता कहते हैं। पर अभिनेता तो बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, उन्होंने बिना शोर किए ही अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बेस्ट कॉमिक एक्टर का अवार्ड उनने अपने नाम कर लिया और वो दिखावे के किसी झांसे में नहीं आए। दीदी आप किसकी बात कर रही हो? तुम खुद ही देख लो ना। हाँ तो देखते हैं। रोहितास वॉर्ड इज द इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर एंड नाउ करेंटली ही इज प्लेइंग मनमोहन तिवारी रोल इन कॉमेडी सीरीज भाभी जी घर पर है। इनका जन्म 24 मार्च 1966 को हुआ था और ये इनका जो शिक्षा दीक्षा रहा वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग की शिक्षा भी ली थी। इन्हें इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्टर ऑफ कॉमिक रोल से भी नवाजा गया है। और बहुत कम लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि रोहितास गौड़ तकरीबन राजकुमार हिरानी के सभी फिल्मों के हिस्सा रहे हैं, चाहे वो थ्री इडियट्स हो, चाहे वो लगे रहे मुन्ना भाई हो या हो पीके। रोहितास गौड़ को अगर हम फिल्मों के हीरो के तौर पर याद करें तो वो उनकी फिल्म थी वीर सावरकर। तो बतौर एक्टर उनकी शुरुआत हुई थी, डेब्यू हुई थी, वो था नीम का पेड़ 1991 में एग्जैक्टली। इसके बाद रोहितास गौड़ ने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए आज मिलते हैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट में रोहितास गौड़ से। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास गौड़। आप अक्सर मुझे मेरे चर्चित धारावाहिक भाभी जी घर पर में देखते होंगे। जो प्यार जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दी है उसके लिए मैं हृदय से आपका शुक्रगुजार हूं। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में जो है DD1 के जमाने से जुड़ा रहा और 1989 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास किया। उसके बाद 6 साल NSG रेपेट्री में रहा, प्रोफेशनल रंगमंच किया। उसके बाद बहुत सारे DD1 के धारावाहिक किए, जिसका मतलब जिसमें फिरदौस हुआ और वेद व्यास के पोते, उसके बाद संजय खान का सीरियल, संजय खान की महाभारत, जय हनुमान और न जाने कितने सीरियल जो मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा शोहरत जो मिली वो सब TV के लापतागंज से मिली, जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर था, और उसके बाद भाभी जी घर पर है। उसके बाद फिल्मों की भी एक लंबी फहरिस्त रही, फेस्टिवल की फिल्में, मुन्ना भाई, मैं वरुण तिवारी साहब का और उनकी दो छोटी बेटियां नव्या और अनन्या को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो कि यूट्यूब चैनल केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट में जो है वो उसकी मेजबानी कर रही हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से उनका टैलेंट सामने उभर कर आ रहा है। तिवारी फैमिली को मेरा बहुत बहुत सहयोग रहेगा, उन्हें बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद रोहितास जी कि आपने हमें शुभकामनाएं दी और इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और हम आपके सीरियल्स छोड़ते नहीं है, देखते रहते हैं। हमें आपका ये सीरियल बहुत पसंद आता है, भाभी जी घर पर है। तो देखते हैं आज का हमारा लकी विनर कौन है। चलिए देखते हैं। नंबर 9, तो आज के हमारे लकी विनर है मिसेस दीपा मिश्रा। कांग्रेचुलेशन। तो कैसा लगा आपको हमारे ये प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और आप अपने फीडबैक हमें देते रहें।